हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी। तो इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी लिया है। मैंने इस कटोरी से एक कटोरी सूजी को अच्छे से चाल कर इस बर्तन में रख लिया है फ्रेंड्स। और मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा लिए हैं। इस चम्मच से मैंने मैदा लिया है फ्रेंड्स। आपको मेजरमेंट का बहुत ही ध्यान रखना है। और चूँकि हम इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें इनो डालेंगे। इसमें थोड़ा सा इनो मिक्स करना है। इनो डालने से हमारा पानी पूरी बिल्कुल फूलेगा, अच्छे तरह से फूलेगा भी और कुरकुरे भी बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इनो हमें मिक्स करना है इसमें। इनो मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट आटा की तरह तैयार करना है हमें इसे। तो फ्रेंड्स, बाज़ार में बिकने वाली मिलावटी तेल से तेल की पानी पूरी से अच्छा घर पर इस तरह से बनाकर खाइए आप। तो आपके मन में ज़रा भी डाउट नहीं रहेगा कि हम कैसा पानी पूरी खा रहे हैं और वो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। तो इस तरह से आप घर पर बनाएं। अब मैं इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दे रही हूँ, ताकि ये फूल कर दुगना हो जाए, फिर हम इसका पानी पूरी बनाएंगे। तो फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं और हमारे पानी पूरी का आटा भी तैयार हो चुका है अच्छे से। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। अब ये पानी पूरी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। इसे अच्छे से एक दो बार मिक्स कर लेना है। और अब इसकी छोटी छोटी लोइयां काटकर हमें पूरी का आकार देना है फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। मैं इस मैदे में थोड़ा सा डिप करके तब इसे बनाऊंगी। थोड़ा सा मैदे में लपेट लेना है इसे। फिर इसे एक अच्छा पूरी का आकार देना है, बड़ा पूरी का, इस तरह से अच्छे से बेल लेना है हमें फ्रेंड्स। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए इसका जो आकार है, ना जाए एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला, नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ से सेम रहना चाहिए। एकदम पतली सी पूरी बनानी है इसकी, इस तरह से, इस तरह से अच्छे से चिकना बना लेना है हमें। बिल्कुल पतला सा पूरी बनाना है इसके, इसका बड़ा सा। मेरे पास ये छोटा सा ग्लास है, तो मैं इसी से पानी पूरी काटने वाली हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आपके कुकी कटर से भी इसे पूरी का आकार दे सकते हैं। मैं इसी ग्लास से इसका आकार देने वाली हूँ। इस ग्लास से मैं अच्छे से इस पानी पूरी काट ले रही हूँ इससे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से कितना गोल कटा है ना, बिल्कुल पानी पूरी जैसा दिख रहा है ये। ये देखिए कितना अच्छा, एकदम बिल्कुल राउंड बना है ये। तो इस तरह से बाकी के सारे पूरी मैं कट कर ले रही हूँ। इस तरह से सारी पूरी कट कर लेना है हमें फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारे सारी पूरी कट कर तैयार हो चुके हैं। इस तरह से मैंने ग्लास से कट कर लिया है इसे। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर से भी काट सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए डाल दिया है। जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए, फिर हम इसमें पूरियाँ डालेंगे। तो तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल के देख रही हूँ आटा, कि ये अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। तो देखिए तैर कर ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म है, जितना कि टेम्परेचर हमें चाहिए पूरी बनाने के लिए। ये टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें एक एक करके पूरियाँ डालेंगे। पहले मैं आपको एक पूरी बनाकर दिखाऊँगी। इस तरह से इसे दोनों तरफ से तलते जाना है फ्रेंड्स। इस तरह से दोनों तरफ से बराबर तलना है हमें। फुल फ्लेम पर रखना है गैस को। इस तरह से अच्छे से तल लेना है। दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर एक तरफ ज़्यादा ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा तलेगा, तो फिर ये अच्छे से ये सॉफ्ट हो सकता है। इसलिए अगर कुरकुरा करना है तो हमें कुरकुरा करने के लिए हमें इसे दोनों तरफ से सेम तलना पड़ेगा। दोनों तरफ से सेम होना चाहिए ये।
तो ये देखिए जो ये हो चुका है, अब मैं इसे एक इस तरह के छन्नी में निकाल ले रही हूँ ताकि जो इसमें एक्सेस ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। तो अब इस तरह के बर्तन में निकाल लेना है हमें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो देखिए कितना फूलकर अच्छे से फूलकर तैयार हो चुका है हमारा ये पानी पूरी। अब इस तरह से एक एक करके हम सारी पूरी इसमें तलते जाएंगे। हम ज़्यादा पूरी एक पार्ट में डालकर नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, 3 से 4 कम से कम डाल के बनाइए, ज़्यादा मत डालिएगा वरना इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और अच्छे से फूलेगा भी नहीं हमारा पानी पूरी। इस तरह से दोनों तरफ से पलटते हुए बनाना है हमें। इस तरह से पलट पलट कर बनाना है हमें फ्रेंड्स। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही कुरकुरा बनने वाला है ये, और आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी लॉकडाउन में सारे शॉप बंद है और पानी पूरी खाने का भी मन कर रहा होगा आप सबको, तो आप घर पर इस तरह से पानी पूरी। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पानी पूरी देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाऊंगी, देखिए कितना कुरकुरा बना है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना कुरकुरा बना है, मैं आपको एक मैच करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना कुरकुरा बना है फ्रेंड्स ये। तो आप भी इस तरह से पानी पूरी बनाइए और बहुत ही यम्मी बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही शुद्ध तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी पानी पूरी की, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।